আর মুভি আসলে সেইভাবে দেখা হয়নি, যে আসলে ওনার স্মাইলটা খুবই সুন্দর, অনেক সুন্দর স্পিচ দেয়, নিশ্চয়ই এর ভিতর কোনো একটা মেসেজ আছে যেটা আমাদের জানা। স্বাগতম সবাইকে বিচরিয়েশনে, আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যে ভিডিওটি দেখব সেই ভিডিওটি হচ্ছে ন্যাশনাল ট্র্যাশকে নিয়ে, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্র্যাশকে নিয়ে। ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে 25 ফ্যাক্টস ইউ ডিড নট নো অ্যাবাউট রশ্মিকা মন্দানা। তো ওনার নাম তো সবাই জানে, সবাই চেনে ওনাকে, আর যেহেতু ন্যাশনাল ক্রাশ অফ ইন্ডিয়া তো সবাই নিশ্চয়ই তাকে অনেক অনেক ভালোবাসে। আর আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল সোশ্যাল থেকে, ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে দেখে আসি। ওয়েলকাম টু সোশ্যাল। रश्मिका मंदाना एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कम टाइम में ही बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हासिल कर ली है, दैट हैज मेड गूगल टैग हर एज अ नेचुरल। उनकी फिल्म्स गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड ऑडियंस को इतनी पसंद आई दैट एवरीवन स्टार्टेड टू एडमायर हर। इस वीडियो में हम आपको रश्मिका मंदाना के बारे में 25 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। लिली, मैं चाहता हूं मैं तेरे घर आके तेरे पेरेंट्स से शादी की बात करूं। नंबर वन, रश्मिका कर्नाटका में बॉर्न एंड ब्रॉटअप हैं और उन्होंने अपनी ज़्यादातर लाइफ वहीं बिताई है। रश्मिका के फादर एक बिजनेसमैन हैं और उनकी मदर एक हाउसवाइफ। रश्मिका को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और वो हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी। नंबर टू, एक्टिंग के साथ वो एकेडमिक्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं। स्कूल के बाद रश्मिका ने एक आर्ट्स कॉलेज से साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड इंग्लिश लिटरेचर, इसी दौरान उन्होंने मॉडलिंग और एडवर्टीजमेंट्स करना भी शुरू कर दिया था। नंबर थ्री, रश्मिका के एक्टिंग करियर की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने 2014 में क्लीन एंड क्लियर टाइम्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया और वो जीत गई। बाद में वो क्लीन एंड क्लियर की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई और उनके कॉन्टेस्ट की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। नंबर फोर, रश्मिका सिर्फ 19 ईयर्स की थी जब उन्हें उनकी फर्स्ट फिल्म ऑफर की गई। हुआ यूं कि उनके कॉन्टेस्ट पिक्चर्स वायरल होने के बाद उन्हें साउथ के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने स्पॉट किया और उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया। ऑडिशन फिल्म किरिक पार्टी के लिए था और मेकर्स एक न्यू फेस को फिल्म में लाना चाहते थे। रश्मिका ने ऑडिशन सिर्फ एक्सपोजर के लिए दिया था, उन्हें नहीं लग रहा था कि वो सिलेक्ट हो पाएंगी। इवेंचुअली डायरेक्टर उनके ऑडिशन से काफ़ी इंप्रेस हुए और उन्हें किरिक पार्टी में फीमेल लीड के रोल में कास्ट कर दिया गया। नंबर फाइव, उनकी फर्स्ट फिल्म किरिक पार्टी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सक्सेसफुल रही और उनकी परफॉर्मेंस को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। साउथ के कई थिएटर्स में वो फिल्म 5 महीने से ज़्यादा चली और उन्हें साउथ इंडियन इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। किरिक पार्टी की सक्सेस के बाद ही रश्मिका को हर जगह से फिल्म के ऑफर्स आने लगे थे। नंबर सिक्स, आपने नोटिस किया होगा कि रश्मिका हमेशा स्माइल करते हुए नजर आती हैं और इसीलिए उन्हें स्माइलिंग क्वीन बुलाया जाता है। रश्मिका ने इसके पीछे भी एक स्टोरी बताई है जो सभी फैंस को सुननी चाहिए। आई ऑलवेज 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 कीप स्माइलिंग फॉर ऑल द लव आई गेट, फॉर ऑल द एप्रिसिएशन आई गेट फ्रॉम ऑल ऑफ यू हु वॉच माय फिल्म्स। बट यू नो, वन ऑफ द अदर रीजंस व्हाई आई स्माइल इज all of us, I'm pretty sure that all the girls here smile through the sadness, through the loneliness, through the anger, through the frustration. Smile is a superpower, no? Yeah, same thing with me. Oh, I keep doing it. And one day I keep thinking, I'll keep smiling till that day where my smile turns into a real one from the heart. But yes, this is a superpower. And नंबर सेवन, कन्नड़ा इंडस्ट्री में 3 फिल्म्स करने के बाद उन्होंने 2017 में अपनी पहली तेलुगु फिल्म चलो में लीड रोल प्ले किया। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रश्मिका नागा शौर्य के साथ नजर आती हैं। इस फिल्म को साइन करने से पहले वो काफ़ी नर्वस थी, पर उनके फादर ने उन्हें समझाया कि उन्हें हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए और इस फिल्म को करने से उन्हें कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। इसके बाद उन्होंने फिल्म साइन कर ली और एक इंटरव्यू में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि शूटिंग के दौरान फिल्म के मेकर्स और एक्टर नागा शौर्य ने उन्हें तेलुगु बोलने में काफ़ी हेल्प की थी और उनके सपोर्ट की वजह से ही वो कॉन्फिडेंटली एक्ट कर पाई थी। ये फिल्म भी काफ़ी सक्सेसफुल रही और रश्मिका को एक रोमांटिक एक्ट्रेस के तौर पर ऑडियंस बहुत पसंद करने लगी थी। नंबर एट,
चलो की सक्सेस के बाद रश्मिका ने फिल्म गीता गोविंदम में भी लीड रोल किया और ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट प्रॉफिट अर्निंग तेलुगू फिल्म रही। फिल्म में उनके ऑपोजिट विजय देवराकोंडा नजर आते हैं जो ऑलरेडी उस वक्त एक सेंसेशन बन चुके थे। फिल्म को सिर्फ 5 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 130 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। गीता गोविंदम जिसे रश्मिका साउथ इंडस्ट्री में सबसे इन डिमांड एक्ट्रेस बन गई थी और आज भी लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। नंबर 9, उनकी नेक्स्ट रिलीज की बात करें तो उन्होंने बिग बजट फिल्म देवदास में एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। वो इस फिल्म में साउथ के लीजेंडरी एक्टर नागार्जुन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आती हैं, जो अपने आप में ही उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उनका फिल्म में रोल काफी छोटा था पर इस रोल के लिए उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया गया। नंबर 10, गीता गोविंदम में रश्मिका और विजय देवराकोंडा की पेयरिंग को अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद उन दोनों को 2019 की फिल्म डियर कॉमरेड में दिखा गया। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फेलियर रही। बाद में इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को यूट्यूब पर रिलीज किया गया जहाँ इस फिल्म को 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं। फिल्म साउथ इंडिया में इतनी लेकिन हिंदी में डब होने के बाद रश्मिका को हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस में बहुत पॉपुलैरिटी मिली। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कॉमेंट्स में आप इस फिल्म को लेके ओपिनियन जरूर दें। ए लिली, मैं चाहता हूं मैं तेरे घर आके तेरे पेरेंट्स से शादी की बात करूं। नंबर 11, डियर कॉमरेड के प्रमोशनल इवेंट के दौरान रश्मिका इमोशनल हो गई थी। ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म को सिर्फ उनके लिए या विजय के लिए ना देखें, बल्कि फिल्म को एक ऐसी स्टोरी की तरह देखें जो किसी को भी इंस्पायर कर सकती है। I don't want you to come and watch the film for the romance and action. I'm repeating myself again. I want you to come and watch this film because of the message it's going to carry through. Number 12. रश्मिका को फैंस इतना पसंद करते हैं जिसकी वजह से इंटरनेट पे वो हमेशा ट्रेंडिंग रहती है। इसी वजह से गूगल ने भी उन्हें नेशनल ट्रेंड का टैग दिया था। इस न्यूज़ के बाद रियलिटी में भी लोग उन्हें इसी टैग से बुलाने लगे। We are also so amazed to see कि इतने सारे लोग उन पे क्रश करते हैं। So here goes a question for the viewers watching this video. क्या आप भी उनमें से एक हैं जिनका क्रश रश्मिका है? If yes, then do drop a comment. Number 13. 2020 में रश्मिका ने अपने करियर की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म सरिलेरु निकेवारू में लीड रोल प्ले किया है। वो फिल्म में महेश बाबू के साथ नजर आती हैं, जिनके साथ फिल्म करना किसी भी एक्ट्रेस के लिए एक बड़ी बात होती है। ये रश्मिका के करियर की हाईएस्ट प्रॉफिट अर्निंग फिल्म रही जिसने बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ से भी ज्यादा। नंबर 14, रश्मिका के पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो 2017 से किरिक पार्टी के एक्टर रक्षित शेट्टी को डेट कर रही थी। दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी भी हो चुकी थी जिसके फोटोज इंटरनेट पर आज भी देखने को मिलेंगे। बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था और उन्होंने एंगेजमेंट भी म्यूचुअली कॉल ऑफ कर दी थी। नंबर 15, रश्मिका अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म मिशन मजनू से कर रही हैं, जिसमें वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आएंगी। फिल्म के मेकर्स डियर कॉमरेड में रश्मिका की परफॉर्मेंस को देखकर काफी इम्प्रेस थे और उन्हें ही अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। रश्मिका को जब ये फिल्म ऑफर की गई तो वो इसकी स्टोरी से इंस्टेंटली कनेक्ट करने लगी। रश्मिका ने उसी वक्त फिल्म को साइन कर दिया और उन्हें लगा कि इससे अच्छा बॉलीवुड डेब्यू उन्हें नहीं मिलेगा। वी आर ऑल्सो होपिंग कि फिल्म एंटरटेनिंग हो क्योंकि दोनों का फर्स्ट लुक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। नंबर 16, मिशन मजनू की शूटिंग के दौरान ही उन्हें कई हिंदी फिल्म्स के ऑफर्स आने लगे जिसमें से एक फिल्म गुडबाय थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ऑलरेडी कास्ट किए जा चुके थे और रश्मिका इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के ऑफर होते ही इसे एक्सेप्ट कर लिया था। फिल्म में रश्मिका लीडिंग रोल में नजर आएंगी और रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शूट के पहले दिन की पिक्चर्स डालते हुए अपनी एक्साइटमेंट को शेयर किया था। नंबर 17, तेलुगु फिल्म जर्सी का रीमेक बॉलीवुड में बनाया जा रहा है जिसमें नानी के रोल में शाहिद कपूर को लिया गया है। हिंदी रीमेक की फिल्म लीड के लिए पहले रश्मिका को कंसिडर किया जा रहा था पर उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। वो उस वक्त ऑलरेडी मिशन मजनू जैसी फिल्म को साइन कर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने जर्सी को रिजेक्ट कर दिया। उनकी रिजेक्शन के बाद मृणाल ठाकुर को फिल्म में ले लिया गया है। नंबर 18, रश्मिका का एक म्यूजिक वीडियो भी है जिसमें वो बादशाह के साथ नजर आती हैं। इस गाने का नाम टॉप टकर था और ये गाना भी मासेस में बहुत पॉपुलर हुआ। नंबर 19, रश्मिका एक एनिमे लवर है और उन्हें एनिमे शोज बिंज वॉच करना काफी पसंद है। नारुतो, साकुरा और ब्लीच उनके फेवरेट एनिमे शोज हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया कि वो बहुत अपसेट हो जाती हैं जब लोग एनिमे और कार्टून्स को एक जैसा बोलते हैं। अगर आप एनिमे देखते हैं तो डू यू ऑल्सो गेट आस्क्ड सच क्वेश्चंस? कॉमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 20,
रश्मिका को एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है और वो हर तरह की फिल्म में काम करना चाहती है। इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए उन्होंने सिर्फ 25 की एज में चार इंडस्ट्रीज में फिल्म्स की है। रश्मिका कन्नड़, तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्म्स में फीचर हो चुकी हैं, विच एक्सप्लेन्स कि उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी काफ़ी डाइवर्स हो चुका है। रश्मिका ने बताया कि उन्हें इसी तरह से फिल्म्स करना पसंद है एंड शी लव्स मेकिंग फैंस फ्रॉम एवरी इंडस्ट्री। नंबर 21, रश्मिका की फेवरेट एक्ट्रेस की बात करें तो वो एमा वॉटसन को काफ़ी पसंद करती हैं और उनके काम को क्लोजली फॉलो भी करती हैं। रश्मिका उनके हैरी पॉटर सीरीज के कैरेक्टर हरमाइनी ग्रैंडर से इंस्पायर्ड है। बॉलीवुड की बात करें तो वो लेट श्रीदेवी जी से इंस्पायर्ड है और अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में वो श्रीदेवी की फिल्म्स देखकर ही बड़ी हुई है। नंबर 22, रश्मिका जिन्हें खुद ही इंडिया के नेशनल क्रश कहा जाता है, वो साउथ स्टार थलापति विजय को अपना क्रश मानती हैं। इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि उन्हें थलापति की पर्सनालिटी काफ़ी पसंद है। दोनों एक्टर्स ने कभी एक साथ काम नहीं किया है और वो चाहते हैं कि वो थलापति के साथ एक फिल्म में ज़रूर काम करें। नंबर 23, रश्मिका सोशल कॉजेज के लिए भी वोकल रहती हैं। जब वो इंडस्ट्री में आई तब उन्होंने 31 फैमिलीज की मदद की थी जिनको फ्लड्स की वजह से नुकसान हुआ था। रश्मिका ने हर फैमिली को 10,000 रुपीज डोनेट किए थे। इसके अलावा उन्होंने कर्नाटका के वाटर पॉपुलेशन की अवेयरनेस के लिए एक फोटोशूट किया जो इंटरनेट पर वायरल हुआ था। नंबर 24, फिल्म पुष्पा 2021 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म में से एक है, जहां ऑडियंस अल्लू अर्जुन और फहाद फासिल को एक साथ देखने वाली है। मेकर्स ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया था, जिसमें समांथा का नाम भी शामिल है। समांथा को फिल्म पसंद आई थी लेकिन डेट्स की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण उन्हें इस फिल्म को रिजेक्ट करना पड़ा था। इसके बाद रश्मिका मंदाना को अप्रोच किया गया और उन्होंने फिल्म को करने के लिए अग्री कर लिया। अब तक उनके रोल के बारे में कुछ रिवील नहीं किया गया है और फैंस उन्हें अल्लू अर्जुन के साथ देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। नंबर 25, रश्मिका के वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काफी स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। उनके इंटरव्यूज में साफ नजर आता है कि वो हमेशा सबको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट करती है। दैट इज सो नाइस ऑफ हर टू से, बिकॉज फेमस होने के बाद ज्यादातर सेलिब्रिटीज ऐसी चीजें नहीं बोलते हैं, बट रश्मिका हैज ऑलवेज बीन वोकल अबाउट हर आइडियोलॉजी। आई थिंक वुमेन are capable of doing anything they want in this world. And I hope one day all of you make your dreams come true. Please dream big. I'm sorry if the speech is too boring, but I just want to say, dream big. Do not give a break. Keep working hard. Keep working hard. It's okay if someone is laughing at you. It's okay if someone is pulling your leg. Pulling you back down, it's okay. You just keep working hard. You just keep looking up at the sky and reach your goals, no matter what anyone else says. Because if you cannot protect yourself and dream for yourself, nobody else can. Yes. वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आप रश्मिका की कौन सी फिल्म देखकर उनके फैन बने थे। इसके अलावा अगर आप किसी और एक्ट्रेस की फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जिस एक्ट्रेस को लेके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे, वी विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट एक्टर, सो लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। তার মুভি আসলে সেইভাবে দেখা হয়নি যেভাবে আসলে আমরা মুভি দেখে চিনি নাই তাদের, সেরকম না। আর তার ক্যারিয়ারটা আসলে সে যেরকম চেয়েছিল সেরকমই হয়েছে। সে ছোট থেকেই হচ্ছে যে অ্যাক্টর হতে চেয়েছিল এবং সে সেটাই হয়েছে, এবং মডেলিং করছে পাশাপাশি। এবং 2014 সালে সে প্রথম হচ্ছে ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ারের যে একটা প্রোগ্রাম ছিল সেইখানে আর কি ফার্স্ট হয়। তারপর থেকে আসলে তার ক্যারিয়ার চেঞ্জ হতে থাকে এবং তার প্রথম মুভি যেটা ছিল যে প্রিটি পার্টি, হ্যাঁ, প্রিটি পার্টিটা সে যখন করে তখন তার মাত্র 19 বছর বয়স ছিল। খুব অল্প সময়ে, হ্যাঁ, অল্প সময়ে কিন্তু অনেক উপরে উঠে যায়। আর আমার আমার কাছে মনে হচ্ছে উনিও সেম, যে অল্প সময়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আর যেহেতু এই অল্প সময়ে কিন্তু সে চারটা ইন্ডাস্ট্রিতে অলরেডি মুভি করে ফেলেছে, তার মানে তার আরও সামনে আরও অনেক সময় পড়ে আছে যে দর্শককে দেওয়ার জন্য। অলরেডি তো সে ন্যাশনাল ক্রাশ হয়ে বসে আছে। হ্যাঁ, আসলে ওনার স্মাইলটা খুবই সুন্দর, স্মাইল দিয়ে যে কারো মন জয় করা যায়, আর ওনার মতো স্মাইল হলে তো কোনো ব্যাপারই না। অনেক সুন্দর স্পিচ দেয়, যা দেখলাম ওনার দুইটা স্পিচ এখানে ছিল, যেটা হচ্ছে স্মাইলিং এর এবং ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে যে স্পিচটা দিল সেটা খুব সুন্দর। এবং সে সোশ্যাল ওয়ার্কগুলো যেগুলো করে সেগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে।
কেননা আমরা আসলে পরিবেশ নিয়ে যে সোশ্যাল ওয়ার্ক এটা আসলে খুব কম মানুষই করে, সেটা কিন্তু সে করছে এখানে। এবং তার মুভিগুলো কিন্তু বক্স অফিসে অনেক হিট করে, যেমন গীতা গোবিন্দা মাত্র 5 কোটি রুপির একটি মুভি যা কিনা 130 কোটি রুপি আর্ন করেছে, হিউজ। এবং তার প্রথম মুভিটাও কিন্তু বলেছে যে অনেক দিন চলে, পাঁচ মাসের মতো চলেছে। তো এটা আসলে একজন নতুন অ্যাক্টরের জন্য কিন্তু এটা অনেক বড় পাওয়া, যে তার একটা মুভি 5 মাস ধরে চলছে, এটা কিন্তু আসলে অনেক বড় পাওয়া। যাই হোক, ওনার ওভারঅল অনেক ফ্যাক্ট আমরা জানতে পারলাম, অনেক কিছুই জেনেছি ওনার এই ভিডিও থেকে। তো আর ওই যে ডিয়ার কমরেড যে মুভিটা উনি দেখতে বললো, এটা আসলে দেখা উচিত, নিশ্চয়ই ভিতর কোনো একটা মেসেজ আছে যেটা আমাদের জানা নেই। আর পুষ্পা সম্বন্ধে তো আমরা এখন দেখছি, পুষ্পা মুভিটা এখনও রিলিজ হয়নি, এটা হয়তো খুব শীঘ্রই রিলিজ হবে। এই ছিল তার ওভারঅল ফ্যাক্ট। তাছাড়া হচ্ছে সে হিন্দি মুভিতে আসতেছে, হিন্দি মুভি মিশন মজনু, এই মুভিতে অলরেডি সাইন করেছে, তো দেখা যাক এই মুভিটাও কবে আসে। যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটি ভালোই ছিল, আমরা ওনার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আর আজকে আমাদের এই ভিডিও রিয়াকশনটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায়।